जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं यूपी डीएलएड साइंस सब्जेक्ट की यूनिट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो होगा। यूनिट 6 में आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो सबको हम देखेंगे। इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम देखेंगे। तो यूनिट 6 अगर हम साइंस की बात करें यूपी डीएलएड की, तो इसमें आपका पढ़ना क्या, आपको पदार्थ एवं उनकी अवस्था है, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सिलेबस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, पदार्थ एवं ये ठोस द्रव गैस, जो इनके इनकी संरचना होती है, इन मैटर्स की इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों मिश्रण प्रकार और मिश्रण के विभिन्न प्रतिकरण, किस तरीके से अगर किसी चीज़ को मिक्स कर दिया जाए तो कितने टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, उनको कैसे अलग किया जाना है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है आपका 6 यूनिट का। मैटर्स एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। तो देखिए ज़रा समझते हैं कि क्या होता है पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। इसकी एक क्वालिटी ये है दोस्तों कि हर एक मैटर्स का, हर एक पदार्थ का, जैसे मोबाइल, पेन, पानी, गैस, इन सब की कुछ क्वालिटीज़ होती है। जैसे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो। जैसे अगर आप पेन को कहीं रखेंगे तो कहीं पर्टिकुलर इसका स्पेस है, जैसे एटमॉस्फेयर में भी ये इतने स्पेस को कवर करेगा। सिमिलरली अगर पानी को भी आप कहीं रखेंगे तो वो कुछ स्पेस कवर करेगा। सिमिलरली अगर आप गैस भी रखते हैं तो वो गैस एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर वो गैस मिलता है या फिर गैस रहता है। तो मैटर या पदार्थ वो है जिसका पर्टिकुलर कुछ मास हो, मास का मतलब द्रव्यमान। जैसे पेन भी कुछ वेट, उसका मास होगा। वेट और मास अलग होता है साइंस की लैंग्वेज में, बट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मास जो इसका द्रव्यमान होगा, इसका पर्टिकुलर कुछ मास होता है, पेन का, लिक्विड का, गैस का। तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो पदार्थ वो है दोस्तों जिसका कुछ मास यानी द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता है। हमारे तरफ विभिन्न वस्तुएं जो भी हमें दिखाई देती हैं, मिट्टी, लोहा, पानी, ऑक्सीजन, हवा, ये सारी चीज़ें इन्हीं तीन अवस्थाओं के अंतर्गत होंगी, या तो ठोस होंगी या द्रव होंगी या गैस होंगी, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे जिसे देख नहीं सकते, जैसे हवा। इन वस्तुओं का कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है तथा यह स्थान जरूर घेरती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। अगर कोई आपसे कहे कि मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ जैसे प्लाज्मा के रूप में, ठीक है, सुपर फ्लूइड के रूप में जो अधिक स्ट्रांग होता है, इन अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। बट मोस्टली जो फेमस है वो तीन तरीके की होती है, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन्हीं की क्वालिटीज़ आपको पढ़ना है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है कि सॉलिड क्या है और लिक्विड क्या है और गैस क्या है, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उससे पहले हम जनरली बात कर लें, अगर हम मैटर्स यानी कि पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो आपने पहली चीज़ तो देखी कि इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ मास होगा। दूसरी बात देखा कि आपने ये कुछ स्थान घेरता है। अब पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच कुछ जगह होता है, कुछ मॉलिकुलर स्पेस होता है। जैसे वो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉलिकुलर स्पेस होता है, जिसके अंदर कुछ जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर वो जो मॉलिकुलर स्पेस के जो अंदर होता है वो घूमते रहते हैं। उनके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या करते हैं, उस मैटर्स के अंदर, उस पदार्थ के अंदर घूमते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण की सेम इंग्लिश में लिखा है कि बहुत स्मॉल होते हैं और ये इनके बीच कुछ स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच, और ये क्या करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एटम्स के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब जैसे मैंने इनकी अवस्थाएं को बताया था कि पदार्थ के स्टेट तीन मुख्यतः हमने देखा था, ठोस, द्रव और गैस, तो इसको दो तथ्यों पर दो प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या भाई, पहला है दोस्तों इनकी फिजिकल स्टेट। जैसे भौतिक संरचना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर वहीं हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, रासायनिक संरचना के हिसाब से बात करें, तो एलिमेंट्स, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से बात करें तो एलिमेंट्स,
कंपाउंड और मिक्सर, हिंदी में इसको कहते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण। अब वन बाय वन इन तीनों को देख लीजिए, उसके बाद आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। जनरली आपको समझना है कि किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है, किसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी विशेषताएं, कौन से गुण इन तीनों के अंतर्गत होते हैं। इस तरीके से भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना में नाम याद रखिए कि अगर हम फिजिकल कंपोजिशंस की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो एलिमेंट, मिक्सचर्स, कंपाउंड, हिंदी में इन चीज़ों को ठोस, द्रव, गैस और तत्व, यौगिक और मिश्रण कहते हैं। बहुत अच्छा, अब वन बाई वन हम देखेंगे ठोस के बारे में, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं सॉलिड क्या है भाई। देखिए सॉलिड कोई भी वस्तु जो ठोस होती है, एग्जांपल आपका मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कोई लोहा का टुकड़ा हो गया, ग्लास हो गया, बुक हो गया। अब इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसको अगर आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इसके अंदर जो मैंने मॉलिकुलर स्पेस की बात करी थी ना वो बहुत ही कम होता है। इनके बीच जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में कम, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो ठोस के कण सूक्ष्म रूप से भरे होते हैं, ठोस के कणों में आकर्षण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल ये जैसे पेन है, इस पेन को अगर आप पॉकेट में भी रखेंगे तब भी इसका जो शेप एंड साइज़ है वो सेम रहेगा, चाहे बेड पे रखेंगे तब भी शेप और साइज़ सेम रहेगा। अगर आप पानी की बात करेंगे तो पानी को अगर आप ग्लास में लेंगे तो उसका शेप ऐसे बन जाएगा, सिमिलरली उसको अगर आप किसी प्लेट में लेंगे तो वो फैल जाएगा पानी, लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही बताया गया कि इनके जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, हाईली फोर्स से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसीलिए सॉलिड का साइज और शेप सेम होता है, हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। ठोस के कुछ उदाहरण जैसे पत्थर, ईंट, बॉल, कार इत्यादि, मोबाइल, फैन, पेन, घड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड के रूप में, तो ये सॉलिड। अब आइए कुछ और इसकी क्वालिटीज देखें। आकृति और आयतन, जैसे मैंने बताया इनकी शेप और इनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। अब ठोस के अंदर एक डेंसिटी होती है, ठोस की आप डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, ठोस का घनत्व आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, द्रव्यमान बटा आयतन, उसके मास और उसके आयतनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगी उसका घनत्व कहते हैं, ठोस का आप घनत्व निकाल सकते हैं। अब एक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपको पता है लोहे को भी गलाया जा सकता है लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब लोहे को गलाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ठोस पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, बहुत हाई होता है। ठोस पदार्थ को घर को कमरे से अधिक होता है, मतलब ठोस पदार्थ जो होते हैं सॉलिड होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इनकी अवस्थाओं की बात करें दोस्तों तो ये नियमित रूप से सजे रहते हैं, एक लैक्टिक एक जालक के बनाए में रहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ठोस को आप आसानी से दबा नहीं सकते, इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोस पदार्थ पर दबाव बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन क्रम से बढ़ाया नहीं जा सकता। बहाव की प्रकृति नहीं होती है, फ्लो नहीं होता है, जैसे ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर रखेंगे मोबाइल तो आपका वो मोबाइल ऐसे बहते हुए फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्वालिटीज नहीं होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। प्रसार या संकुचन, एक्सपेंशंस या कंस्ट्रक्शंस, इसके मतलब ये है कि सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे तो वो फैल सकता है, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ सकता है, तो ये क्वालिटीज़ इसके अंतर्गत होती है, ठीक है। सब्लिमेशंस की बात करें तो ठोस को दोस्तों ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट उसको लिक्विड में ही बदलाया जाए, जैसे बर्फ़ को अगर आप गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लेकिन वहीं आप जैसे कपूर को और नौसादर को इनको गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस में बन जाता है। तो ठोस की एक और क्वालिटीज़ होती है कि ठोस को गर्म करने पर बिना पानी में बदले डायरेक्ट आप गैस में भी बदल सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपको वास्तव में यही चीज़ें पढ़नी है और यहीं से आपको सवाल पूछ देगा एग्ज़ाम में। जैसे मैं आपको अगर एग्ज़ाम्स के सवाल की बात करूं, तो आइए ज़रा कुछ सवाल देते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे पानी का, दोस्तों पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये इस तरीके सवाल पूछ देगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये पूछ देगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे कि सॉलिड की जो शेप है और वॉल्यूम वो फिक्स रहती है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पानी की नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस है, सोना क्या है, सोना एक सॉलिड है तो सोना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे सवाल पूछेगा तो आप ये मत समझिएगा कि आप अननेसेसरी चीज़ों को देख रहे हैं, आप काफ़ी नेसेसरी चीज़ों को देख रहे हैं और इसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछेगा। सिमिलरली आप अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो देखिए लिक्विड में जो अंदर जो मॉलिकुलर फोर्स होता है वो ठोस के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए वो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता रहता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते रहते हैं। और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि अगर आप जिसमें ढालेंगे, अगर बॉल में रखेंगे तो वो बॉल के जैसा बन जाएगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा बन जाएगा, प्लेट में रखेंगे तो प्लेट जैसा बन जाएगा, इसीलिए लिक्विड का कोई शेप
आकार निश्चित नहीं होता। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दोस्तों इसकी आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। वॉल्यूम निश्चित का मतलब ये होता है कि अगर आप एक लीटर पानी को चाहे आप गैलन में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे बॉटल में रखें, वो एक लीटर ही रहेगा, भले शेप बदलता रहेगा लेकिन उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। इसके अंतर्गत घनत्व तो कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों ठोस से ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप जैसे सिरिंज में पानी लेके थोड़ा सा उसको दबा सकते हैं, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पानी को जल्दी बॉयल कर सकते हैं किसी भी लिक्विड को, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है ठोस के कंपैरिजन में। इसका इसको जैसे फ्लूडिटी, फ्लो करने की प्रॉपर्टीज इसके अंतर्गत पाई जाती है। पानी को अगर रखेंगे तो वो फ्लो भी कर जाएगा। द्रव का जमना, तो ये भी दोस्तों फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड में प्रॉपर्टीज सारे लिक्विड्स में नहीं होते लेकिन हाँ मोस्टली लिक्विड्स में होते हैं जिसमें इनकी क्वालिटीज होती है जो ठंडे करने पर वो फ्रीज भी हो जाते हैं, जम जाते हैं। इसके अंदर एक इवापरेशंस की भी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कपड़े अगर आप ठंडी में क्या गर्मी में भी आप कपड़े धुल के बारिश में धूप में अगर लगाते हैं तो वो कपड़ा सूख जाता है। किस प्रोसेस से सूखता है, इवापरेशन की वजह से। तो लिक्विड के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है कि वो इवापरेट होता रहता है, वाष्पीकरण जिसको कहते हैं, वो क्या होता है सूर्य की रोशनी से या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो वाष्प बन के उड़ता रहता है, तो एक इवापरेशंस का क्वालिटीज़ होता है लिक्विड के अंदर। सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें, अब जैसे गैस में आप देखेंगे तो गैस काफ़ी ज़्यादा फैलता रहता है, ठीक है। तो जब गैस इसलिए फैलता है क्योंकि उनके अंदर जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। इसीलिए कण क्या है, बहुत ज़्यादा गतिमान होते हैं और इनका ना निश्चित शेप होता है ना निश्चित आकार होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की बात करें तो इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित नहीं होती। और घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही इजीली दोस्तों कम होता है, मतलब लिक्विड से भी कम होता है। बहुत ही इजीली ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिंग ऑफ हीट एंड कूलिंग, गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं गर्म करके, हीट ठंडा करके, और इसको एक्सप्रेस करते फैला सकते हैं गर्म करके। तो ये गैस की प्रॉपर्टीज़ होती है। गैसों का प्रसरण विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये बहुत ही आसानी से होता है और बहुत ही जल्दी। जैसे आप स्प्रे लगाइए, सेंट लगाइए, तो यहाँ से प्रसार होकर बहुत जल्दी दूर तक पहुँच जाता है कंपेरिजन टू लिक्विड। गैस का पदार्थ में गैसीय रूप से द्रव के रूप में परिवर्तन, गैस संग्रह। अब गैस को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाटर वेपर को लीजिए, ऊपर से बर्फ़ रख दीजिए, तो वो जैसे टेम्परेचर कम होगा वो क्या हो जाता है, लिक्विड में बन जाता है। एक और एग्जांपल ये है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक रखते हैं बाहर, तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में हमारी ह्यूमिडिटी है, जो हमारी पानी है, अब जो गैस के फॉर्म में है, वो क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं। इसी हम प्रक्रिया को कंसंट्रेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो आप गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। गैस का दाब बर्तन की दीवार, हाँ जो गैस होते हैं ना वो अपने दीवारों पे क्या करते हैं, प्रेशर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बलून में आप गैस भर दीजिए तो वो बलून के बाहरी सतह पे, बाहरी दीवार पे फोर्स लगाता है, यानी कि प्रेशर लगाता है। अब यहीं से आपको इन तीनों का कंपैरिजन करना है, इनके आयतन क्या होते हैं। तो ठोस का भाई निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, गैस का निश्चित नहीं होता। आकार ठोस का निश्चित होता है, गैस का निश्चित नहीं होता, इसका भी निश्चित नहीं होता। बहने का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, द्रव में पाया जाता है, इसमें चारों दिशाओं में बह जाता है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अभी आपने फिजिकल स्ट्रक्चर पे इनकी क्लासिफिकेशन देखी है, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, केमिकल बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। केमिकल बेस पे कितने प्रकार के रहे हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, तत्व मिश्रण और यौगिक, एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। तो अभी हम यहाँ पे तत्व को देखिए। तत्व का मतलब वो होता है जैसे आप किसी शुद्ध फॉर्म में पाया जाने वाला, ठीक है। जैसे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन को किन्हीं दो अन्य गैसों से मिला के दोबारा ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे सोना एग्जांपल के तौर पे, सोने को आप चांदी या पीतल मिला के दोबारा आप सोना नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या है, तत्व एलिमेंट्स होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं और ना ही इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। अब आप कहोगे सर पानी जो है, आप केमिकल भाषा में अगर बात करें तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको आप देखेंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इनको दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप प्रॉपर मात्रा में अगर आप मिक्स करेंगे तो वो क्या हो सकता है, पानी बन सकता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन किन्हीं अन्य दो गैसों से मिलकर नहीं बना सकते। तो तत्व क्या है भाई, वह शुद्ध पदार्थ है
जिसे किन्हीं अन्य दो पदार्थों के साथ ना ही ज्ञात किया जा सकता है, ना ही उस तत्व से कोई और दो तत्व आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल के शब्दों में, तत्व पदार्थ जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे नया बनाया जा सकता है। कोई नया, हाँ ऑक्सीजन्स को आप सेम ऑक्सीजन्स में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन केवल इंडिविजुअल ऑक्सीजन से आप को दूसरे गैस में नहीं डाल सकते। ऑक्सीजन को तोड़ के आप कुछ और नहीं बना सकते। ठीक है, उसको मिक्स करके नया मिक्सचर्स बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन से आप उसको कोई दूसरा उसमें से नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे लोहा, कॉपर, मरकरी, ब्रोमीन तथा ऑक्सीजन तत्व उपयुक्त परिभाषा रॉबर्ट बॉयल सन 1660 में इन्होंने दिया था। वहीं अगर हम कंपाउंड और यौगिक की बात करें तो यौगिक दोस्तों दो बेसिक तत्वों से मिलकर बनाया जाता है, दो बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनाते हैं, निश्चित अनुपात से हम बनाते हैं। यौगिक को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जैसे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें इन दोनों का रेशियो 1:8 होता है। ठीक है, और एक निश्चित टेम्परेचर पर इनको लैब में बनाया जा सकता है पानी। ठीक है, तो ये इनके अंदर दो ये क्वालिटीज, तो ये किसके अंदर आएंगे, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जो दो तत्वों से मिलकर बना है उनकी निश्चित मात्रा से बनी। अब बात करें मिक्सर, मिक्सर क्या है दोस्तों, मिक्सर ऐसी चीज़ है जिसकी कोई निश्चित अनुपात नहीं होती, मतलब जिसके निश्चित रेशियो नहीं होता, दो या दो से अधिक आप एलिमेंट मिलाइए और जितना मिला सकते हैं मिलाइए, एक मिक्सचर बन जाता है। जैसे वह पदार्थ जो केवल एक अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों के भौतिक संयोजन से बनाया जाता है, जैसे पीतल, कॉपर और जस्ता से मिला के आप पीतल बनाएंगे, तो ये अनिश्चित अनुपात में इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब हम इसको बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को, कि कैसे पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं, कैसे पानी से लिक्विड बन जाता, लिक्विड से गैस बन जाता है, गैस से फिर लिक्विड, फिर लिक्विड से आप सॉलिड बना सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है और ये लास्ट आपका पॉइंट है। चलिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन चेंज इन स्टेट होता है, द्रव का ताप परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, पानी को ठंडा कर दीजिए बर्फ बन जाएगा, पानी को गर्म करिए गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठोस को द्रव या गैस अवस्था में, द्रव को ठोस या गैस अवस्था में और गैस को द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में रह सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसी टर्म को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पानी, पानी के बारे में बताया गया, लिक्विड पानी है, ठीक है, गैस बन गया और यहाँ पर सॉलिड बर्फ बन गया। अब इसी कंडीशंस को आपको याद करना है, कंडीशन कौन कौन सा याद करना है, जैसे इस चीज़ को आप याद करिए, जैसे इवोपरेशंस, इवोपरेशन का मतलब लिक्विड इवोपरेट होकर गैस बन गया और उसी गैस को आप कंडेंस करेंगे, संघनन करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, दोबारा लिक्विड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें, गैस को अगर आप डिपोजिशंस करेंगे तो वो दोबारा सॉलिड बन जाएगा, और सिमिलरली सॉलिड को अगर सिब्लिमेशंस करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे दोस्तों तो वो सॉलिड बन जाएगा, और अगर सॉलिड को बर्फ को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। इसी चीज़ को आपको जानना है, इसी चीज़ को यहाँ पे हमने बता दिया। पहला क्या है, दोरणांक, जिसको मेल्टिंग कहते हैं, तो बस समझ जाइए मेल्टिंग का मतलब किसी भी सॉलिड को जब हम टेम्परेचर बढ़ा के उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, दोरणांक कहलाता है। ठोस वस्तु को गर्म करके उसका ताप बढ़ता है, ठोस का ताप बढ़ते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कुछ और उदाहरण देखें, फ्रीजिंग मतलब हिमांक का मतलब क्या होता है, जब हम लिक्विड के टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो लिक्विड सॉलिड में बनने लगता है, सॉलिड में चेंज होने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लिक्विड के टेम्परेचर को कम करने पर वो लिक्विड सॉलिड में बनने लगता है। चलिए बॉयलिंग की बात करें, तो बॉयलिंग क्या है दोस्तों, बॉयलिंग में आप लिक्विड को, द्रव को गर्म करके डायरेक्ट आप किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट आप गैस में चेंज करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है सोलुबिलिटी ऑफ मैटर्स, पदार्थों की विलेयता, विलेयता का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिल जाए, इस चीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी। क्या है भैया, हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे जब चीनी और पानी में, हाँ यहाँ पे देखिए समांगी मिश्रण दो यहाँ पे टॉपिक है, एक है समांगी मिश्रण। ठीक है, जब भी आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे पानी में अगर आप शुगर मिक्स कर देंगे तो ये जो मिक्सर होगा वो समांगी मिश्र मिक्सचर कहलाता है, आगे यहाँ पे मिक्सर के टाइप में दिया होगा, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जब भी हम, वैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पानी और चीनी का, तो इसमें क्या है कि आप किसी भी पार्ट में ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, कम्प्लीटली घुल जाता है,
और इस मिक्सचर्स के किसी भी पार्ट को अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे पानी और चीनी के किसी भी पार्ट को अगर आप पियेंगे तो वो इक्वली मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का पानी ज़्यादा मीठा लगेगा, यहाँ का पानी कम मीठा लगेगा। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिस मिश्रण को किसी भी भाग उसके किसी भी दूसरे भाग के संग के समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। रसायन विज्ञान में मिश्रण को निश्चित अनुपात एवं अवयवों से मिला के समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं, जैसे नमक तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, चीनी तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। इसके ऑपोजिट में बात करें विसमांगी, जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ऑयल और पानी का मिक्सर, ऑयल और पानी के मिक्सर अगर आप सरफेस सतह से उठाएंगे तो उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी, वहीं नीचे लेंगे तो ऑयल की मात्रा होगी ही नहीं, वो ऑयल क्या होता है ऊपरी सतह पर मिक्स रहता है। ठीक है, जब किसी मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से विभिन्न होता है विसमांगी मिश्रण यानी कि हाइड्रोजीनियस कराता है। रसायन विज्ञान में मिश्रण को अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विसमांग मिश्रण का निर्माण होता है, जिसके प्रत्येक भाग के गुण और धर्म क्या होता है भाई, अलग अलग होते हैं। जैसे चीनी का, चीनी को नमक में ही मिला दीजिए तो आप देखेंगे कहीं पर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं पर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। जल और तेल का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है, ये एक विसमांगी मिश्रण होता है। चलिए ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इस लास्ट पॉइंट के बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। पॉइंट क्या है कि पृथक्करण करने की प्रक्रिया, जैसे दो मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का आपको ध्यान रखना है। जैसे बिनना, ठीक है, फटकना या उसाना, ऊर्ध्वपतन, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, छानना, भरण, अपकेंद्रण या तलछटीकरण, आसवन, आंशिक आसवन या क्रिस्टलीकरण, ये सेपरेट वीडियो में इसको एक एक करके देखा जाएगा, बट जनरली आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो मुझे इसको फिनिश करना पड़ेगा। इन सबको हम एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे। जैसे बिनना का आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि चावल के कंकड़ बिनना, ठीक है, तो आप क्या करते हैं चावल और कंकड़ के मिक्सचर से, मिश्रण से, उन दोनों को आप अलग कर रहे हैं। फटकना या ओसाना, ठीक है, जैसे आप सिमिलरली आप फटकते हैं चावल या गेहूँ या फिर जो भी चीज़ हो। ऊर्ध्वपतन हमने देखा दोस्तों, मतलब इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब जैसे कि किसी भी आप सॉलिड को डायरेक्ट कैसे गैस में चेंज कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को। चालना या चुंबक से पृथक्करण करना या छानना, इस तरीके से दोस्तों हम अलग अलग इस पूरे टॉपिक को एक अलग वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझने को भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही समाप्त करेंगे। आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले साल पूछे गए और इस साल भी पूछ सकते हैं, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे पदार्थ की अवस्थाएँ होती हैं 2, 3, 4 या 5, तो आप फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और आंसर कर देंगे 3। कितने होती हैं 3। चलिए विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल्स हो सकता है वायु एवं मिश्र धातुएं, चीनी एवं बालू, चीनी एवं पानी। तो चीनी एवं पानी दोस्तों, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसकी हर एक कंपाउंड, जिसके हर एक पार्ट्स पे उसकी क्वालिटी सेम ना हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विलय। विलय मतलब जो घुल जाते हैं। ठीक, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो समांग मिश्रण होमोजेनियस किसे कहते हैं, मेल्टिंग किसे कहते हैं, पदार्थ की विशेषताएं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी वो हो जाएगा, मिक्सर किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के उसके तत्वों को पृथक करने की कोई दो विधियाँ बताइए, लेकिन दो विधियों को आप लिख सकते हैं, जैसे वॉपरेशन लिख सकते हैं या फिल्ट्रेशन, छानना या वाष्पीकरण, ये दो विधि हो सकती है। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर बताना है आपको, यौगिक और मिश्रण। यौगिक का मतलब दोस्तों, यौगिक में क्या होता है, जब आप किसी निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में आप किसी दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो यौगिक बन जाता है, और अनिश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, पदार्थ के गुण लिखना है, वाष्पन तथा क्वथनांक में अंतर बताना है, और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बस ये छोटे से छोटे पॉइंट से मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद करना या बहुत ज़्यादा रटना है, ये ऐसा पॉइंट है जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं खुद अपनी समझ से, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा एक आपके रिविज़न में, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम्स में इसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। अगर सहायक हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।